हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 12:06 हो गए हैं। तो अभी तक हम लोग अपना काम निपटा रहे थे कि जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करते हैं। तो आज सारा काम फिनिश हो गया है, अब एक ही काम है, खाना बनाना। तो मैं बना रही हूँ खाना और मेरा आरव बैठा है यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। तो आरव ने यहाँ पे अपना सारा जितने भी कलर थे सब फैला रखा है और कुछ उसका बोला मम्मा चौक काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाइट टाइल्स है ना, तो इसमें चौक इतने काम नहीं कर रही है। और आने आप क्या कर रही हो बेटा? कलर दिया पे रहने दो, कलर आनु नहीं कर पाओगी आप, नहीं कर पाओगी। पूरा टाइल्स भरना है, ये वाला पूरा टाइल भरना है। ये वाला पूरा टाइल कवर करो। हाँ, पहले टाइल कवर कर दो। ये तो अभी मैं झट से पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि कल मैं लेट हो गई थी। तो कल ही राव जी का फोन आ गया था कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ जल्दी। तो जब भी ऐसा होता है ना, मेरे साथ ऐसे अक्सर होता है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी होता होगा दोस्तों, कि जब हम सोचते हैं कोई काम हम आराम से करेंगे तो उस दिन वो काम ना ऐसे हो जाता है कि मतलब काश हम जल्दी कर देते। तो मेरे साथ ऐसे अक्सर होता रहता है। तो कल भी मैंने कोशिश कर दी थी कि जल्दी बना दो, उसमें चावल बन गया था मेरा। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जल्दी पहले खाना बना दूँ, तो आज देखना राव जी लेट आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, वो लेट आए कैसे भी आए, हम जल्दी से पहले खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ रहा भी है, कुछ बना रहा है रंगोली। ये दो लाइन है तो उसने अच्छी बना रखी है, ये वाली लाइन भी अच्छी लग रही है, ये वाली लाइन भी अच्छी लग रही है, लेकिन ये 3-4 चम्मच से बना दिए उसने कुछ। और मेरा अभी चावल बन गया है और सब्जी अभी बन रही है। तो इसमें बन गया है मेरा चावल और इसमें बन गई है मेरी सब्जी। और अब मैं जल्दी से गैस पे पहले पापड़ बना देती हूँ। तो राव जी आ गए हैं घर पे और वो अभी फोन में बिजी हैं। तब तक मैं झट से खाना लगा देती हूँ और फिर खा लेते हैं खाना, नहीं तो अभी बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ। तो राव जी जाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी और फिर मैं उठी और मैंने ना लड़ी लगाई। लड़ी लगाने के बाद जैसे मैंने लड़ी ना ऑन की, तो ऑन पता कैसे हुई, वो तो आग लगने से बच गए हम। तो मैंने ना इधर ये पर्दे पे लड़ी टांगी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि ऑन कर देती हूँ। और जैसे ही मैं ऑन करने गई ना, तो एकदम भट्ट सी आवाज आई और ये ना देखो ये दोनों अलग अलग हो गए। और अभी मैं लास्ट ईयर ही ये लड़ी लेके आई थी, पिछले साल मैंने लगाई थी और ये वायर अलग हो गई है और भट से आवाज़ आई और ये देखो पूरा जल गया है। तो ये लड़ी भी लग गई है मेरी। तो अभी ना मैं, अब कौन डिमांड जाएगा लड़ी के लिए? मुझे लगा कि मेरे पास लड़ी है, अच्छी खासी बड़ी भी थी वो लड़ी, अब केवल ये छोटी वाली लड़ी बची है मेरे पास। ये तो मैं पूजा में लगाऊंगी। और ये वाली लड़ी को ना काफ़ी टाइम भी हो गया है, 2-3 साल हो गए हैं और अच्छी जलती है, लेकिन पता नहीं उसी को क्या हुआ कि मैं लास्ट ईयर ही लेके आई थी और अभी जल भी गई हो। तो दोस्तों, हमारी छोटी दीपावली की पूजा हो गई है और बच्चे जला रहे हैं अभी कैंडल। और मैं कुछ सामान ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा है, शिफ्टिंग में पता नहीं कहाँ रख दिया, क्योंकि मैंने वो जब वहाँ से सामान भी हम लोगों ने पैक किया था उस समय भी मैंने देखा नहीं था। हाँ, ये सही है, तो उस समय भी मैंने वो चीज़ें वहाँ पे देखी नहीं थी। और यहाँ आके भी मैंने सामान रखा तो वो मुझे मिला नहीं। और एक चीज़ मुझे और मिली तो ये सीनरी थी,
ये भी ना टूट गई है, आप देख रही हो मैं कि इसका कांच तो जो था वो टूट गया है, तो ये भी मैंने रख दिया है साइड में, क्योंकि बोलते हैं ना कि टूटा हुआ कांच घर पे नहीं रखते। तो उन्होंने यहाँ पे ना ये ऐसी रंगोली बना रखी है, ये हैप्पी दीपावली। मोर का पंख मैंने यूट्यूब में देखा था ऐसे, तो उसने ये मोर का पंख बना रखा है, लेकिन पूरे मोर भी बना देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे अभी आरव कर रहे हैं दिए जलाने की तैयारी। मम्मा पूरी रंगोली मोर वाली बना देते हैं यहाँ पर, और जितनी लड़ियाँ थी उन्होंने मेरा काम खराब कर दिया कि लड़ियाँ जल गई हैं, ऊपर से मेरी मालाएं भी नहीं मिल रही हैं। काफ़ी सारी मैं गणेश चतुर्थी पे माला लेके आई थी, लेकिन मैंने कहाँ रख दी है पता ही नहीं, उस समय भी मैंने नहीं रखी थी, आरव भी फोल्ड कर रहा था तो मुझे याद ही नहीं है कि कहाँ रखी है वो माला। खाना खाया नहीं और मिठाई खा रही है बस, खाना खाने के बाद स्वीट डिश। आरव आपको तो मना भी है वैसे स्वीट खाना। तो खाना पीना हो गया, खाना मैंने खाया नहीं क्योंकि मेरा पेट हो रखा है डम सा। और आज क्या हुआ था कि खाना खा के मैं तुरंत लेट गई थी, बर्तन धोए और तुरंत सो गई, खाना मुझे इतना हजम हुआ नहीं। फिर मैं उठी थी तो मैंने लड़ी वगैरह लगाई थी, तो लड़ी का काम भी इतना हुआ नहीं वो भी, पर चलो ये है कि पर्दे जले नहीं मेरे। और फिर टाइम का उसके बाद पता ही नहीं चला था, तो दिन के ही खाने से ना पेट ऐसे गप सा हो रखा था, तो मैंने खाना खाया नहीं। और अब धोऊंगी मैं बर्तन, बर्तन धोने के बाद जाएंगे हम थोड़ा फ्रेंड के घर पे, और उसके बाद बच्चे वहीं पे फोड़ेंगे पटाखे। तो फिलहाल मैं अभी जल्दी से पटाखे नहीं बर्तन धो देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब घर का सारा काम निपटा के हम लोग जाते हैं फ्रेंड के घर, और टाइम भी ना 9:18 हो गया, उल्टा दिख रहा है। और आज मेरे फ़ोन का नेट भी नहीं चल रहा है, सिम ही बंद हो रखा है, फ़ोन आज इस पर स्विच ऑफ दिखा रहा है फ़ोन, और जो इस पर नेट चल रहा है वाईफाई से इसका नेट चल रहा है। तो घर पे आके देखूंगी, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है, और हम लोग निकलते हैं फ्रेंड के घर के लिए। आनू गोलू आया आप ना जानबूझ के उसके पास जाते हो, छी जानबूझ के जाते हो आप उसके पास में, मेरे से दूर है ना, उसको पता है। कल तो ठीक इनके होंठों पे आया था वो, तेरे पापा के नीचे वाले लिप पे आया था वो। बोलो सारे डॉगी को खाते, किसी भी डॉगी को नहीं खाने देता ये, काट के काट बना उसको, पापा खेलता है ना, काट काट के खेलता है लूसी के साथ, और लूसी भी, और लूसी गंदी भी है। लूसी गंदी क्यों है बोल रहे थे मुझे, कौन बोल रहे थे, खुल जा सिम सिम। नमस्ते बाबू, हैप्पी छोटी दीपावली। नमस्ते बाबू, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली, छोटे को हैप्पी छोटी दिवाली। आ जाओ यार, ओ भाई भाई, ओ ये गाना कितने सारे हैं, जो ऊपर से दूसरी कैंडी लेके आ जाए तो आंटी से, मुझे मेरी कैंडी तो निकालने दे, आंटी से लेके आ जा कैंडी। आने अभी अपनी कैंडल बंद कर दो, आप आराम से बाद में फोड़ना। अरे तुम हाथ पे जला रहे हो ना ये पटाखे,
मेरे पास फोड़ रहे हैं ये लोग। ये देखो हाथ हाथ से फोड़ रहे हैं ये पटाखे, हाथ से फेंक रहे हैं। हाथ पर जलाना सी पटाखा और फिर फोड़ना सी, कने भी धो देना सी, एक जने भी सभी चरे का चरी आ रहा हूँ। पहले बम वो क्या है ये तेरे पता हाथ तल हैं और कने भी कैल लेने में धो देना चाहे अभी तक तो साले कुछ नहीं टीवी नहीं आने उधर को बाबू ना धुआं देखा था उड़ो चुची ये भाई सीध गए शादी से पर ये का बोलियो लट बम बोल के लिया छियो का। अच्छा तो तेरा टूना छियो ए देखा कोई इना खाओ कौन सो कोई उना खाओ कौन सो आ रहा उधर से भी फूटने वाला है आदि भैया वाला आ रहा हूँ गोल बादम बादम आ रहा हूँ पूरे रे यो हाथ अल फेंकनो आ रहा हाथ पे नहीं आ मम्मी मजा आ मेरी बस वो विधिवल मनानो फारा पड़ ये गज्जब और मिट्टी फेंकने जो फाड़ के पास विद आ रहा दूर आओ बेटा हां आ रहा ये खजाना मिलेगा आने के लिए खजाना ढूंढ रहा हूं